हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखा। अब हम देखेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। तो इस पे तीन लॉज हैं बेसिकली, और वो जो बेस्ड है मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। तो तीन लॉज कौन से है? वन इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड थर्ड वन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो तीनों लॉज है कैसे है हम देखेंगे, राइट। तो दिस लॉज बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो बेटा, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आते हैं दो लॉ, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, एंड दूसरा जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड तीसरा जो लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, तो देखो, अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल हम लेंगे ये लॉ स्टडी करने के लिए, एंड डायहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल लेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के लिए। तो डोमिनेंस में क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या होता है, F1 जनरेशन में डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होता है और अदर एलील के कैरेक्टर सप्रेस करता है, राइट। सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेशन होता है गैमेट का, और एक हर एक गैमेट क्या करता है, एक अलील को कैरी करता है, राइट। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बेसिकली जो फैक्टर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंटली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो तीन लॉ है हमें देखने हैं। तो फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, अब हम देखेंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए हम एग्जांपल लेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। तो यहां पे क्या हमें दिखाना है, देखो, अभी हम एग्जांपल लास्ट का क्या था, पेरेंट जनरेशन में देखो, अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो क्या है, टॉल वर्सेस ड्वार्फ, टॉल क्रॉस विथ ड्वार्फ। तो ये जो टॉल है ये फिनोटाइप है, और जीनोटाइप क्या रहेंगे बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या है, होमोजाइगस इंडिविजुअल, राइट, होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। तो इसकी क्रॉसिंग होने के बाद F1 जनरेशन में क्या होता है देखते हैं। लास्ट टाइम ये देखा था हमने क्या हुआ था, इसके क्या पढ़ेंगे आप, गैमेट पढ़ेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो अब F1 जनरेशन में क्या होने वाला है, ऑल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है, जो ट्रेड एक्सप्रेस हुआ है वो क्या है, टॉल, राइट। तो पैरेंटल कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ F1 जनरेशन में बेटा, F1 जनरेशन में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक कैपिटल जो टी है वो क्या है, ये जो अलील है ये दूसरे अलील को सप्रेस कर रहा है। सो दिस कैपिटल टी, दिस डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड प्रिवेंट अदर एलील, राइट। इसके वजह से सभी टॉल है, क्योंकि पेरेंट्स का जो कैरेक्टर था, राइट, पेरेंट का जो ट्रेट था वो टॉल एंड ड्वार्फ था। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में क्या फॉर्म हो रहा है, या फिर क्या एक्सप्रेस हो रहा है, क्या अपीयर दिख रहा है हमें, ऑल सभी टॉल दिख रहा है, राइट। तो इसके वजह से ये क्यों हुआ, तो डोमिनेंट एलील की वजह से हुआ, राइट। तो यहाँ पे क्या बता सकते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन करता है, वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, राइट, एंड ड्यू टू व्हाट, सप्रेस द अदर एलील, सो वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड प्रिवेंट द अदर एलील, प्रिवेंट यानी सप्रेस करो, या सप्रेस करना, या मास्क उसका कैरेक्टर सप्रेस करना। तो क्या हम कहेंगे, हेटरोजाइगस पेयर, वन एलील डोमिनेंट ओवर द अदर, वन एलील डोमिनेंट ओवर द अदर, एंड दैट इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आ रहा है, राइट। तो यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अभी इसको कैसे समझे, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि देखो, एक ये टॉल प्लांट है और ये ड्वार्फ प्लांट है, तो इनकी क्रॉसिंग हुई तो क्या हुआ बेटा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये ऐसा जो प्लांट था वो भी कैसा, सेम हाइट का यहाँ पे आया। तो ये हेटरोजाइगस है, तो ये कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, राइट, यही कैरेक्टर इस पर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कौन सा अलील था, डोमिनेंट, जिसने रिसेसिव अलील को सप्रेस किया, एंड दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। तो बेटा अब हम देखेंगे स्टेटमेंट, समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट देखेंगे बेटा, राइट। तो
एक अलील सप्रेस कर रहा है दूसरे अलील को, राइट। तो स्टेटमेंट क्या हुआ देखो, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विथ टू और मोर कॉन्ट्रास्टिंग और सेट, ऐसे बोल सकते, टू और मोर सेट ऑफ होमोजाइगस, ओके, सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस, ओके, द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस या फिर अपीयर, दोनों भी वर्ड अब यूज कर, अपीयर इन F1 जनरेशन एंड अदर रिसेसिव एलील डू नॉट अपीयर या फिर एक्सप्रेस कहें, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम कैसे समझेंगे, देखो, व्हेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विद टू और मोर सेट्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स क्या है, ये दो, ये और ये क्या है, टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स, राइट। तो टू और मोर सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मोर किस लिए कहा गया है, डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, क्योंकि अब डायहाइब्रिड क्रॉस अगर देखेंगे तो उसमें मोर सेट होते हैं, राइट, क्योंकि दो ट्रेट हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं, फोर ट्रेट करते हैं एग्जैक्टली, तो वहाँ पे ये इसके लिए बताया गया है। तो वेन टू होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विद टू, यहाँ पे दो है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड विद द डोमिनेंट एलील, सॉरी का कैरेक्टर आर क्रॉस द डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, जब इसको क्रॉसिंग करेंगे तो F1 जनरेशन क्या एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होगा and other recessive allele do not appear, तो ये जो दूसरा अलील है वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट्स अ वेरी रियली रियली सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, ठीक है ना बेटा, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इधर ही समझेंगे हम, देखो कैसे समझेंगे, देखो अभी इसको हम सेल्फिंग करेंगे, इसकी कैपिटल टी ये जो हेट्रोजाइगस है ना, हेट्रोजाइगस को हम क्या करते हैं, सेल्फिंग करते हैं, बट सेल्फिंग के बाद क्या होगा, हेट्रोजाइगस से हर एक का गैमेट डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो यही बात है सेग्रीगेशन में, देखो सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है इस अलील को कौन रिसीव कर रहा है, ये गैमेट, राइट। ये ऐसा क्यों होता है, आपको पता है जब कोई एलील, पेयर ऑफ एलील होती है तो इंडिविजुअल्स होता है, तो यहाँ पे देखो ऐसे समझो, ये कैपिटल टी है, राइट, एलील इसके दोनों के ऊपर प्रेजेंट है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो मियोसिस होता है, तो मियोसिस होता है तो क्या होता है, ये क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाता है, तो ये कैपिटल जो टी, ये जो एलील है ये एक गैमेट रिसीव करेगा, ठीक है, या फिर या देखो यहाँ से स्मॉल टी राइट, हाँ, तो ये गैमेट जो है ये गैमेट एलील को रिसीव करेगा या कैरी करेगा, राइट। तो उसके वजह से, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है, राइट, ओके, तो अब हम देखेंगे कि क्या होता है सेग्रीगेशन में, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन होना, तो यहाँ से गैमेट सेपरेट हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि ये जो गैमेट है इन्होंने क्या रिसीव किया बेटा, एक एलील को रिसीव किया, हर एक एलील को ये क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, सिग्रीगेट हो रहा है गैमेट। तो उसके बाद अगर F2 जनरेशन देखोगे तो F2 जनरेशन में क्या होता है, पैरेंटल कैरेक्टर आपको एक्सप्रेस होते दिखेंगे, देखो आपको समझ में आएगा अभी F2 जनरेशन में क्या हुआ, देखो गैमेट समझो ये गैमेट है, किसके साथ जा सकता है, फर्टिलाइजेशन जब होगा तब क्या होगा, कैपिटल टी
ठीक है, यही कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी एंड ये कैपिटल टी, ठीक है ना, ओके, एंड ये स्मॉल टी, ये स्मॉल टी। अभी आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है बेटा, राइट, यह कैपिटल टी है, तो ये कौन सा कैरेक्टर है या कौन सा ट्रेट यहाँ में एक्सप्रेस हुआ है, टॉल, ठीक है ना, ये क्या है, ये टॉल है, ये क्या है, ये भी टॉल है, ये क्या है, ये भी टॉल है, ये क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है। तो यहाँ पे 50% आपको टॉल नज़र आ रहा है, सॉरी 75% आपको टॉल नज़र आ रहा है और 25% आपको ड्वार्फ नज़र आ रहा है। लेकिन लेकिन अगर हम बात करें जीनोटिपिक जीनोटाइप की, तो यहाँ पे ये जो कैपिटल ये जो कैरेक्टर है ये किस में था बेटा, पेरेंट में था, ठीक है ना, किस में था, पेरेंट में, तो पेरेंट में टॉल भी था और डॉर्फ भी था, ये ट्रेट दे, तो ये दोनों F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब अगर ऐसा नहीं होता, अगर गैमेट सिग्रीगेट नहीं होते तो ये कुछ नहीं होता, तो इसके वजह से दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, राइट, ओके। तो यहाँ पे एक्सप्लेन होता है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, दोनों भी कैरेक्टर, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है पेरेंट कैरेक्टर, ये पेरेंटल कैरेक्टर है, पेरेंटल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर या फिर ट्रेट बोले तो ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसके वजह से दिस इज द लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ओके, समझ में आ रहा है, राइट। तो अब हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे, स्टेटमेंट किसका है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन का, तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन व्हेन F1 hybrid forms gamete, right? When F1 hybrid ने क्या किया, gamete form किया, समझ में आ रहा है, gamete, the allele, कौन से allele है, capital T small t, और ये यहाँ पे देख रहा है, the allele segregate या separate from each other, ठीक है, the allele separate from each other and enter into the gamete, किस पे enter हुए, ये जो allele थे किस enter हुए, gamete में, okay, then the gamete form pure, right, ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है, the gamete form pure in that they carry only one allele, समझो, अभी F1 hybrid form हुआ, जब F1 hybrid ने गैमेट फॉर्म किए, ये जो गैमेट है उसके वजह से ये जो दो अलील थे ये सेपरेट हुए, राइट, ये एक अलील और ये एक अलील, सेपरेट होने के बाद फॉर्म ईच अदर, ओके, एंड एंटर इनटू द गैमेट, तो ये किस में एंटर हुए, उस गैमेट में एंटर हुए अलील, समझो, ये सर्कल एक गैमेट है, इस सर्कल में कौन सा, ये सर्कल एक गैमेट है और इस सर्कल में कौन सा अलील एंटर किया, कैपिटल टी और इसमें स्मॉल टी, ये अलील एंटर किया, एंटर करने के बाद दे फॉर्म प्योर, what exactly, द गैमेट फॉर्म प्योर इन दैट, यानी कि ये जो गैमेट है ये प्योर है, राइट, प्योर है, क्योंकि ये हर एक गैमेट क्या कर रहा है, एक अलील को कैरी कर रहा है, उसके वजह से आपको F2 जनरेशन में टॉल एंड ड्वार्फ कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, इसके वजह से इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, क्या बोलते हैं इसको, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है। तो हाँ, ये जो लॉ है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, डोमिनेंस सिग्रीगेशन के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, तो ये क्यों लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट है, ये भी आ सकता है,
या फिर ये एक्सेप्ट, ये एक्चुअली वर्ल्ड वाइड एक्चुअली एक्सेप्ट है, ठीक है ना, ये लॉ सिर्फ यही सेग्रीगेशन, राइट। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। व्हाई? जब एफ वन हाइब्रिड फॉर्म्स गैमेट, गैमेट जब देखो ये यहाँ पे एफ वन हाइब्रिड ने गैमेट फॉर्म किए, गैमेट में हर एक गैमेट ने क्या रिसीव किया, अलील को रिसीव किया। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ये टॉल नज़र ही नहीं आता ना, तो वही दिखता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इन दोनों में मैंने जो बताया वही आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। तो ये आपको समझ में आया होगा क्या हुआ लॉ ऑफ डोमिनेंस में। दो होमोजाइगस इंडिविजुअल्स थे, उसमें क्या हुआ, एक जो था ये डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हुआ, उसके वजह से टॉल आया, उसके बाद सेग्रीगेशन था, सेग्रीगेशन में एफ वन हाइब्रिड जो था उसमें क्या हुई, सेल्फिंग हुई, सेल्फिंग के बाद क्या हुए, गैमेट सेपरेट हुए, सेपरेट ईच गैमेट ने क्या रिसीव किया, एक एक एलील को रिसीव किया, एक एक एलील को कैरी किया। कैरी करने के बाद क्या हुआ बेटा, जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन में गैमेट क्या हुए, यहाँ पे देख सकते हो आप क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद आपको जो प्रोजेनी दिख रही है उसमें आपको टॉल, ये जो दिख रहे टॉल, तीन टॉल नज़र आ रहे, लेकिन इसमें एक ये जो है ये कैरेक्टर एक्सप्रेस हुए, कौन से, पैरेंटल कैरेक्टर। मेन बात आपको यह ध्यान रखनी है कि सेग्रीगेशन में क्या होता है, पैरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से इसे बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, राइट। समझ में आया स्टेटमेंट? तो ये बातें कुछ थी लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।